गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। ये ब्लॉग था उस दिन का जिस दिन हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए, एंड ये सुबह का ब्रेकफास्ट था जो कि मैं और मम्मी नहीं खाए थे, पापा और भैया खाए थे, मुझे मन नहीं कर रहा था तो रास्ते में मैं दही बड़ा खा ली थी। तो चलिए पूरा ब्लॉग में बने रहिए, मैं रास्ते में सब कुछ आपको दिखाऊंगी। एंड ये शूटिंग करने के लिए बहुत मज़ा आता था बहुत दिन के बाद, ये मतलब ऐसे नेचुरल जगह दिखाने के लिए एकदम पहाड़ यही हो सारा, देखिए साइड में बहुत अच्छा लगता था पेड़ सारा दिखाने के लिए। एंड अभी जस्ट हम लोग घर से निकले हैं एंड फ्रंट में आप देख सकते हैं, फ्रंट में नहीं दिख रहा था तो मैं साइड में दिखा रही हूँ, गोट्स जा रहे हैं। तो अभी हम लोग मतलब आए नहीं, NH आए नहीं, ये घर से कुछ मतलब 1 किलोमीटर ऐसे होगा, तो इस टाइप का है, दिखा रही हूँ पूरा अंगुल दिखाऊंगी। एंड चलिए ये है हमारे घर के साइड में एक ठो रोड है जो कि एकदम बहुत सुंदर रोड है, अभी नया हुआ है तो एकदम अच्छा लगता है जाने के लिए, एकदम खाली खाली कोई गाड़ी वाड़ी इतना रस नहीं है। पहले हम लोग घूम के जाते थे, अभी इस तरफ घूम के आ रहे हैं, तो ये एक नया रोड है, बहुत चिकना रोड है, बहुत अच्छा लग रहा है जाने के लिए। मैं पहले आई नहीं थी तो ये अभी आई हूँ, घर तो इस साइड में जा रही हूँ, पहले मैं दूसरे रास्ते में जा रही थी, तो ये रास्ता देखने के लिए एंजॉय करने के लिए भी मुझे अच्छा लगा था। सो ये सारा नया हुआ है, जितना भी बिल्डिंग देख रहे कुछ हो रहा है, कुछ हो चुका है, तो ये मैं देखी नहीं थी तो मुझे लग रहा था ये एकदम प्लेस चेंज हो गया, मतलब पूरा नक्शा जैसे कि बदल गया है, कुछ पता नहीं चलता है कौन सा जगह में क्या था। तो ये मज़ा आ रहा था देखने के लिए। एंड देखिए ये सारा पाम का ट्री है, तो ये गांव में तो मोस्ट होता है सब जगह में, तो बहुत अच्छा भी लगता है। एंड दुबई में ये सारा चीज़ भी बहुत है जो खजूर का, तो ये देखने से मतलब मैं जितना भी ब्लॉग देखती हूँ मुझे वही याद आ जाता है मेरे गाँव का, दुबई का ब्लॉग देखती तो देखिए मेरी मम्मी एकदम टायर्ड हो जाती हैं, जहाँ भी जाती हैं तो टायर्ड हो जाती है। आगे हम लोग NH में, सो चलिए मैं आपको दिखा दिखा के चलती हूँ रास्ते में क्या क्या है क्या नहीं है, बहुत कुछ मतलब हुआ था, शॉपिंग हुआ था, अच्छा भी लगा। एंड बहुत जल्दी हम लोग आ गए, एक्चुअली भैया का काम था तो बहुत जल्दी आ गए, और भी थोड़ा घूमने के लिए मन कर रहा था, मुझे लग रहा था कि शाम हो जाएगा लेकिन हो नहीं पाया। एंड ये देखिए हाट बोलते हैं हमारा यहाँ पे, हाटो बोलते हैं, तो आपको सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसलिए मैं हाट बोल रही हूँ, जहाँ की सारा वेजिटेबल वीकली वंस आता है। तो ये है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, जैसे कि मतलब सारा वेजिटेबल, छोटा मोटा स्वीट्स भी मिलता है एंड फ्रूट्स। देखिए रास्ते में मैं जा रही हूँ तो अच्छे से दिखा नहीं पाती हूँ, इवन यहाँ पर जो गाय एंड बकरी ये सारा भी कोई ख़रीदता है कोई बेचता है, ये सारा भी होता है। फाइनली आके हम लोग पहुँच गए अंगुल में। सो चलिए गाइज, मैं इतना बहुत कुछ शूटिंग नहीं कर पाई, खाए थे क्या दही बड़ा वो भी मैं शूटिंग नहीं कर पाई, मतलब उस टाइम शूटिंग करने के लिए वहाँ पे अच्छा नहीं लगता था, वहाँ पे खड़े होके आप मोबाइल लेके थोड़ा सा करो तो लोग देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, अपना जगह में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बाहर आप कर लो तो अच्छा लगता है। सो छोटा मोटा सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी मम्मी को देखिए, मेरी मम्मी सो गई, तो मेरी मम्मी सो सो के ही जाती है, जहाँ पर जाती है मैं उठा ली मम्मी को, एंड मम्मी का थोड़ा सा मतलब टीथ में प्रॉब्लम था तो वो दिखा के आएंगे। एंड हम लोग भैया और मैं आ गए थे यहाँ पे, मेरा एक तो टेम्पर्ड ग्लास मेरे फोन में टूट गया था थोड़ा लग के, तो मैं आके पहुँच गई वो लगाने के लिए, बहुत अच्छे से भी वो भैया लगा दिए थे। तो भैया और मैं इसे छोटा मोटा काम करके फिर चलेंगे पापा के पास, पहले चलेंगे क्योंकि पापा को हेयर कट करना था, तो पापा को हम लोग छोड़ के आए थे हबीब ब्यूटी पार्लर में, पापा का वहीं पसंद है तो पापा वहीं पे हमेशा काटते हैं। तो चलो गाइस अभी चलते हैं पापा के पास, इसके बाद फिर जाएंगे मम्मी के पास। अच्छा खासा धूप हो रहा है। हाय, मेरे पापा के नहीं होगा, हबीब में हमेशा ही हेयर कट। ये है अंगुल का हबीब ब्यूटी पार्लर, तो हम लोग आ गए, पापा यहाँ पे है, पापा का हेयर कट हो गया शायद। पापा बड़े आई जी, बहुत सुंदर हुआ है। अनुभव
नारियल पानी पीने के बाद पापा और मम्मी का जो भी कुछ मेडिसिंस है वो आता है मंथली, तो वो मेडिसिंस लेके आ रहे थे। बहुत सारा मेडिसिंस आता है क्योंकि पापा खाते हैं, मम्मी भी खाती हैं। अभी तो मतलब एज होने के बाद तो आपको पता चलता है मेडिसिन ना होने से नहीं चलेगा। एंड यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको अंगुल, एक साइड का ये है, पूरा तो नहीं दिखा सकती हूँ, जो जो जगह में हम लोग रहे हैं वही जगह मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड इसके बाद था मम्मी का साड़ी खरीदना, तो नेक्स्ट साड़ी खरीदने के लिए जाएंगे। मैं सूती की साड़ी देख रही थी क्योंकि मम्मी को सूती की साड़ी लेने के लिए मन था, लेकिन मम्मी पहनती नहीं है सूती, बस ये धूप के लिए दो तीन ऐसे सूती लेके जाएंगे। तो कुछ भी पसंद नहीं हुआ आपको मैं दिखा रही हूँ, आप भी देख के बोल सकते हैं ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो वही मम्मी जो पहनती है घर में यूजुअली, वही साड़ी के लिए फिर दूसरे तरफ हम लोग गए हैं। यहाँ पे अच्छा अच्छा मिला है, हो सके तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, टाइम हो रहा था तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी थे। वही सिफन का देखे, मम्मी यही पहनती है घर में, मम्मी को पसंद है, मतलब घर में या आसपास कहीं थोड़ा बहुत काम में या वो उनका ये चल जाता है तो मम्मी को ये पसंद है। नेक्स्ट हम लोगों का था, वहाँ से साड़ी लेके आए गए। नेक्स्ट हम लोगों का आए थे कॉस्मेटिक देखने के लिए, चूड़ी या जो भी कुछ है, परफ्यूम वगैरह ये सारा देखने के लिए। एंड वो देखे हैं, मतलब बहुत ये चीज़ तो बहुत टाइम लगता है, इतना जल्दी तो नहीं हो सकता है। वो बिजी 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 में हम लोग इतना बहुत सारा कुछ नहीं ला पाए, जितना भी हो सके सब चीज़ में थोड़ा बहुत लेके आ गए थे। अच्छा भी लगा थोड़ा मम्मी के साथ इतने दिन के बाद ये बैंगस वेंगस सारा देख के, फिर हम जो जितना भी मिला है अच्छा अच्छा मिला है तो ये लेके फिर नेक्स्ट हम लोग गए थे क्या लस्सी पीने के लिए। यहाँ का लस्सी बहुत अच्छा है तो लस्सी पीने आ गए। यहाँ पे रुक गए हम लोग फ्रूट्स ख़रीदने के लिए, तो फ्रूट्स लेके जाएंगे। एंड मशरूम भी था तो मैं बोली थी भैया को मशरूम भी लेके आना, वो साइड में था लेकिन भैया भूल गए, तो फिर रास्ते से उसको लेना पड़ा दूसरे जगह से। तो उस टाइम शायद 2:30 ऐसे कुछ हो गया था, भूख भी लग रहा था, जो भूख लग रहा था मतलब ऐसे लग रहा था चलो कोई अच्छे से होटल में जाके खा लेंगे क्योंकि नॉनवेज डे है तो भूख भी ज़्यादा होता है। टाइम हो गया 1:30, तो खाने के लिए भूख लग रहा है, हम लोग जाके भी लगेगा आधा घंटा या 45 मिनट्स ऐसे लगेगा, जाके खाना खाएंगे। एंड वेडनेसडे है तो नॉन वेज तो खाएंगे। पापा और भैया फ्रूट्स खरीद रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ दिन के बाद मैं चली जाऊँगी। ये है हमारा अंगुल, सो ये कोर्ट के पास हम लोग है। मैं भी नहीं आती हूँ बहुत दिन के बाद, एक बार आती तो मुझे भी इतना पता नहीं चलता है। और घर जाके मैं दिखाऊंगी बहुत कुछ, मतलब ग्रोसरीज एंड मम्मी की चूड़ी और भी कुछ चीज़ ढूंढ रहे थे लेकिन पसंद नहीं हुआ तो नहीं लाए हैं। कुछ मैं बोल नहीं पाती हूँ, बाद में इसको सारा बोलना पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं है। एंड भैया बहुत बिजी में है तो जल्दी आके जल्दी जाओ, ऐसे ही है। कुछ चीज़ देखते हैं तो लगता है कि तुरंत चलो ऐसे ही है क्योंकि कॉस्मेटिक्स वगैरह तो टाइम लगता है, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। एंड साड़ी वाड़ी ये सारा तो मतलब लेडीज़ का चीज़ तो टाइम लगता है। सो वो लोग एकदम व्यस्त हो जा रहे हैं भैया और पापा, तो इसीलिए हम दोनों अच्छे से देख भी नहीं पाते। बहुत धूप हो रहा है उड़ीसा में, यहाँ पे आने से पता चलता है कितना धूप रहता है बाहर घूमने से। कुछ दूर आने के बाद ये आया था मशरूम, जो कि लोग लेके बैठते हैं गांव के लोग साइड में ऐसे ही बेंच में। सो ये एक्चुअली मशरूम मुझे इसीलिए मन कर रहा था, ये बेंगलोर में नहीं मिलता है, जो मिलता है बटम वो अच्छा नहीं लगता है वो मशरूम।
तो इसलिए मैं ये लेके ये खा के ही जाऊँगी ऐसे सोच के भैया को फिर से भेजा। एंड इसके बाद था हम लोगों का आगे हम लोग खाने के लिए रेस्टोरेंट, एंड यहाँ पे नॉन वेज डे था तो मटन ही था। एंड देसी चिकन भी खाए थे लेकिन देसी चिकन इतना खास नहीं लगा, मटन अच्छा था। सो के गाइस चलिए खा के फिर चलते हैं घर, और ये है फाइनल, और कुछ काम नहीं रास्ते में। यह हम लोगों का खाना मटन राइस एंड देसी चिकन, राइस एंड देसी चिकन और सो मटन, मटन करी, मटन करी, दही, 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 ये देख, ये मेरा है। सबसे अच्छा लगता है ये शूटिंग करने के लिए, क्योंकि ये चांस नहीं मिलता है। हम लोग बाहर जैसे कि टूरिस्ट प्लेस वैसे ही है हमारा, ये गांव का चारों तरफ बहुत अच्छा लगता है। पहले तो बहुत ठंड था, अभी ये सारा प्लांट्स वगैरह हो के, मतलब ये सारा अभी हो गया, बिल्डिंग विल्डिंग सब कुछ हो गया, क्वार्टर्स बन गया, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब अभी बहुत गर्मी लग रहा, थोड़ा सा नहीं बहुत गर्मी लग रहा है। एंड ये सारा नक्शा एकदम चेंज हो गया, पहले यहाँ पे सारा बड़ा बड़ा पेड़ था, ये देख रहे जो माउंटेन, ये बहुत मतलब अलग टाइप का ही था, एकदम जंगल था, बड़ा बड़ा पेड़ सारा, बहुत जंगल था, मतलब बहुत बड़ा जंगल जैसे वैसे ही था, लेकिन ये सब ऐसे ही हो गया अभी। एंड ये शूटिंग करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बाहर जैसे हम लोग जाते हैं घूमने के लिए ना, मुझे इसीलिए अच्छा नहीं लगता बाहर। मतलब केरला गई थी तो कुछ चीज़ देख के मुझे इतना मतलब अच्छा नहीं लगा, मैं इतना एंजॉय की हूँ बोट हाउस में, बहुत एंजॉय की हूँ, लेकिन ये जो सारा जगह देखा ना मैंने इस टाइप का है, कोई जैसे कि पानी या पेड़, ये सारा मैं हमारे गांव में भी देखी हूँ, तो इसीलिए वो चीज़ देखने से अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सिमिलर रहता है मुझे लगता है। बस वही टूरिस्ट प्लेस वो है, ये हमारा गांव है, मुझे ये लगता है, लेकिन यहाँ पे आके आप फिस्ट विस्ट करोगे ना, इतना सुंदर लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है। देखिए रोड भी एकदम दो तरफ पेड़ है, रोड एकदम बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। सो फाइनली हम लोग आ गए घर, चलते हैं अभी, और कुछ नहीं, इसके आगे मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ, बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग। सो ओके गाइस चलिए ब्लॉग के एंड करती हूँ, ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ये है मेरा घर का ब्लॉग, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। कुछ चीज है, क्या क्या छिपाया है इसमें, इसके अंदर ग्राउंड नट, चलो आपको नोट।